हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम टू आई वांट टू कुक। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ साबुदाना वड़ा या साबुदाना टिक्की की रेसिपी। इस साबुदाना वड़ा को व्रत के टाइम पे बहुत ही पसंद किया जाता है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। तो चलिए इस साबुदाना वड़ा की रेसिपी को शुरू करते हैं। अगर आपको ये पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पर मैंने लिया है आधा कप साबुदाना। ये छोटे दाने वाला साबुदाना, आप चाहें तो बड़े दाने वाला भी यूज़ कर सकते हैं। और अब मैं इसे 2 से 3 पानी तक धो लूँगी अच्छी तरह से। साबुदानों को मैंने धो लिया है अच्छी तरह से और अब मैं इसे भिगोने के लिए रख दूँगी। सो यहाँ पर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ आधा कप पानी। आप इस बात का ध्यान रखें कि आपने जितना साबुदाना लिया आप उतना ही पानी लें। और अब मैं इसे 4 से 6 घंटे के लिए भिगोने के लिए छोड़ दूंगी। वड़े के लिए यहाँ पर मैंने लिया है 2 मीडियम साइज़ के आलू, जिसे मैंने बॉईल कर लिया है। और अब मैं इसे कर लूँगी अच्छी तरह से मैश। यहाँ पर मैंने ठंडे आलू यूज़ किए हैं ताकि ये ज़्यादा चिपचिपा ना हो। आलू यहाँ पर मैश हो चुका है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ भिगोया हुआ साबुदाना। इसके साथ ही साथ मैं इसमें डाल रही हूँ 3 हरी मिर्च और आधा इंच अदरक, जिसे मैंने बारीक काट लिया है। ये भुनी हुई मूंगफली का मैंने एक दरदरा सा पाउडर बनाया है। इसे आप 2 से 3 बड़े चम्मच इसमें ले सकते हैं। इन सभी को आप आलू में अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ आधे नींबू का रस, इससे काफ़ी चटपटा फ्लेवर आएगा। इसके साथ ही साथ 1/4 छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर और सेंधा नमक स्वाद के अनुसार। ये व्रत के लिए इसलिए मैंने इसमें सेंधा नमक यूज़ किया है। और इसे भी आप इस सब में अच्छी तरह से मिक्स कर लें। यहाँ पे मिक्सचर अब बिल्कुल रेडी है और अब मैं इससे वड़े बना लूँगी। तो यहाँ पे मैंने हाथ में लिया है थोड़ा सा घी ताकि ये चिपके ना। और अब थोड़ा सा ये मिक्सचर लेके मैं इसकी टिक्की टाइप का बना लूँगी। आप चाहें तो इसे बॉल की तरह भी बना सकते हैं। वड़ा बनाने से पहले अपने हाथ को आप अच्छी तरह से साफ कर ले ताकि ये ज़्यादा चिपके ना। ये वड़ा बिल्कुल रेडी है और ऐसे मैं सारे वड़े बना लूँगी। साबुदाना वड़ा या साबुदाना टिक्की अब बिल्कुल रेडी और अब मैं इसे करूँगी फ्राई। तो यहाँ पे मैं इसे शैलो फ्राई कर रही हूँ। फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे ऑयल यूज़ किया, आप चाहें तो घी भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। आपको इन वड़े को मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है जब तक कि ये क्रिस्प ना हो जाए। आप चाहें तो इसे आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं। वड़ा एक तरफ से पक चुका और अब मैं इसे दूसरी तरफ भी पलट दूंगी और दूसरी तरफ भी आपको इसे हल्का सा गोल्डन होने तक पकाना है। साबुदाना वड़ा या साबुदाना टिक्की अब बिल्कुल रेडी और अब मैं इसे करूंगी सर्व। सो व्रत के लिए साबुदाना वड़ा अब बिल्कुल बनकर तैयार है। और अगर आपको आज की मेरी ये साबुदाना वड़ा या साबुदाना टिक्की की रेसिपी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ भी ज़रूर शेयर करें और कॉमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। हैप्पी नवरात्रि एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।